नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थुरिया। अगर आप टोल प्लाजा पर टैक्स देते देते परेशान हो गए हैं तो हम आपके लिए लाए हैं एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आने वाले 3 महीनों में देश भर के तमाम राजमार्गों से टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे बल्कि कहना है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। दरअसल इलेक्ट्रिक टोल प्लाजा के बाद सरकार अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए जीपीएस तकनीक से टोल वसूलने की तैयारी में है। टोल कलेक्शन के लिए जीपीएस सिस्टम लागू होने के बाद टोल नाके हटा दिए जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि नेशनल हाईवे पर अब लोगों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि देशवासियों को अब टोल टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने लोकसभा में कहा कि सरकार जल्द ही जीपीएस आधारित टोल ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने वाली है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जनता को अब टोल प्लाजा पर रुकना नहीं होगा, जबकि टोल टैक्स की राशि जीपीएस इमेजिंग के जरिए वसूल कर ली जाएगी। नितिन गडकरी ने बताया कि टोल टैक्स की नई व्यवस्था के तहत जैसे ही आप टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे वैसे ही आपके बैंक अकाउंट से टैक्स की राशि कट जाएगी। संसद के बजट सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सड़कों के मामले में सरकार ने कई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक टोल का 97% कलेक्शन हो रहा है। अब मैं जीपीएस सिस्टम लाना चाहता हूँ। टोल नहीं रुके पैच, टोल ही नहीं रहेंगे। टोल नहीं रहने से मतलब टोल टैक्स खत्म नहीं होगा। आपकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लग जाएगा। गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। गडकरी ने कहा कि जीपीएस पर रिकॉर्ड होगा कि आपने कहां से एंट्री ली और कहां की तरफ निकले, और अगर आपके बैंक से एक पैच और अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा तो कोई आपको नहीं रोकेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि जनता की सहूलियत के लिए नेशनल हाईवे पर अब हर 60 किलोमीटर के दायरे में केवल एक ही टोल प्लाजा होगा। एक से ज्यादा सभी टोल नाकों को हटा दिया जाएगा। ये काम 3 महीने के अंदर ही पूरा कर लिया जाएगा। नितिन गडकरी ने संसद में कहा कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक से ज्यादा टोल नाका होना गैर कानूनी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।